एंड कश्मीर में 500 करोड़ इन्वेस्ट किए है। आपको ज्यादा पता है? मेरे को पता है ना। अभी तो मैंने आपको एक ही स्टोन दिखाया जो कि मॉल का है। यहाँ पे ना मल्टीपर्पज टावर भी बनने वाला है जो कि लैंड लिया गया है यहाँ पे 10 लाख स्क्वायर फीट। मनोज सिन्हा आए थे, उन्होंने यहाँ पे पूजा भी की थी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे स्पर थैंक्स भेजा है। तो पहला नाम है पेरी उमा सनकर जिन्होंने मुझे 200 रुपीज़ का स्पर थैंक्स भेजा है। दूसरा नाम है ओम प्रकाश मिश्रा जिन्होंने मुझे 100 रुपीज़ का स्पर थैंक्स भेजा है। तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मेरे लिए ना बहुत ही बड़ी बात है, आप लोगों की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो दिल से थैंक यू सो मच। तो गाइस अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो ड्रीमर व्लॉग्स के नाम से। तो गाइस आज का सीन मैं आपको बता दूं, आज मुझे जाना है द मॉल ऑफ श्रीनगर, लार्जेस्ट मॉल श्रीनगर का जो कि बन रहा है। इमार कंपनी जो कि यूएई की कंपनी है, उन्होंने दुबई में सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं। आपको पता ही है बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग दुनिया में, वो भी उन्होंने बनाई है। और वही अब श्रीनगर में सबसे बड़ा मॉल बना रहे, द मॉल ऑफ श्रीनगर जो कि पांपोर में है। आज हमको पांपोर जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कमेंट करके बोला था, पल्क उनका नाम है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये बिगेस्ट मॉल है इंडिया का, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये इंडिया का बिगेस्ट मॉल है या जम्मू एंड कश्मीर का। खाली किसी को पता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है या जम्मू एंड कश्मीर का, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल हम जाते हैं, यहाँ से हमको बहुत ही दूर जाना है, पांपोर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जाते हैं फिर देखते हैं आज दिन का कैसा क्या सीन रहेगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर जाके देते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन सब पहले आप तक पहुँचे। गाइस अगर आप चाहते हो आप भी मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो। मेरे वीडियो के नीचे एक हर्ट शेप्ड आइकन आता है जहाँ पे डॉलर का साइन भी होता है, तो वहाँ से आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो। तो गाइस फाइनली निकला मैं पोरू भाई को लेने के लिए, उसको लेते हैं फिर जाते हैं डायरेक्ट पांपोर, ओके। तो गाइस फाइनली पोरू भाई आ चुके हैं। पोरू भाई इतना वेट क्यों करवाते हो मुझे हमेशा, क्यों करवाते हो भाई? हम चार है, टाइम लगता है तैयार होने को। कल से मैं एक मिनट वेट नहीं करूंगा, वो ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आना होगा यहाँ पे वेट करना रोड पे, ठीक है। कहाँ पर? वेट तो मैं नहीं करूंगा भाई, रोज रोज मैं वेट करता हूँ, एक बार दो बार तीन बार, हर बार वेट करवाते हूँ। अब आज ना एंड हुआ, अब नहीं वेट करूंगा। अब बोल आप कहाँ जाना हमने? आज हमें जाना है पांपुर, वहाँ पर ना बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। तो बोर्ड बड़ा नहीं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मॉल बनने वाला है। मैंने सुना कोई दुबई का बंदा है उसने इन्वेस्ट किया इस मॉल में ना। कोई दुबई का नहीं है, दुबई की सबसे बड़ी वो है फ्रेंचाइज कंपनी। अच्छा चलो फिर निकलते हैं। तो गाइस हम आज के पेट्रोल डालने के लिए, ये देखिए थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है, हम ना कंगाल हो चुके पेट्रोल डाल के। कल भी 300, आज भी 300। गाइस आपको पता ही है कल हम अवंतीपुरा के लिए यहाँ से ना नए हाईवे से गए थे, लेकिन आज ना हमको पुराने हाईवे से जाना है, तो हमको सीधे निकलना है। पुराना वो जम्मू एंड कश्मीर का हाईवे था ना, आज हमको वहीं से जाना है, तो सीधे जाना है, आज हमको यहाँ से नहीं जाना। तो गाइस अभी हम पहुंचे पांथा चौक, और ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ना सामने, ये कौन सा पहाड़ है? अथवाजन का। ये देखिए ये तोड़ा जाता है ये वाला पहाड़, ठीक है। इस पे ना वो पेड़ ये सब नहीं है इसलिए तोड़ा जाता है, और इसके जो पत्थर है ना वो ना घर के काम आता है। नीचे से जो ब्लॉक होता है ना कश्मीर में, उन्हीं का ब्लॉक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ये सब गिरती है ना, तो इन्हीं का ब्लॉक दिया जाता है, वो ना मजबूत रहता है। जो मैंने अभी आपको अथवाजन का पहाड़ दिखाया ना वो वाला, ठीक है, उसमें से ना ये वाले पत्थर निकलते हैं, घर के ब्रिक्स है ना उसमें काम आते हैं, और पत्थर से ना वो बर्तन बनता है जिसमें वो चटनी ये सब बनाते हैं, उसको कश्मीर में न्यूम बोलते हैं। पत्थर ना बहुत ही काम आता है, ठीक है, ये इसके बर्तन बना रहे हैं, बहुत ही काम आता है ये वाला पत्थर। ये बनता है इन पत्थरों का, जिससे ना वो आटा बनाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, पता नहीं चक्की बोलते क्या बोलते हैं, वो भी इन्हीं पत्थरों का बनता है। ये देखो पहले ना ये पत्थर ऐसे होते हैं, फिर इनको शेप दी जाती है, डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, ऐसे वो हाथ से करते हैं वो, ठीक है, ये देखो। और घरों में भी इस पत्थर से ना डिज़ाइन भी किया जाता है, ये देखो ऐसे भी इसमें वो शेप दी जाती है। गाइज मेरे को ना थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी, ये जो यहाँ पे पहाड़ है ना ये उसके पत्थर नहीं है, ये ना कोई जगह है लड्डू की क्या बोलते हैं उसको, वहीं से पत्थर निकलते हैं, ठीक है। इस पहाड़ से भी कुछ निकलता है, पता नहीं वो पत्थर वो शायद दूसरे टाइप के कुछ है। फिलहाल हम यहाँ पे पूछते हैं इनसे क्या निकलता है, ओके। तो गाइज ये जो पहाड़ है ना उसके जो पत्थर है ना वो ना ब्रिक्स के ही काम आते हैं, जो कि घर के नीचे वो ब्रिक्स होता है ना ऐसे पत्थर वो भी होते हैं, उसके कुछ रबर पत्थर, ठीक है। और ये वाले जो है ना ये किसी और जगह से आते हैं, ये डिज़ाइन के काम आते हैं, ठीक है, घर में ही आते काम, बहुत चीज़ें इनसे बनती हैं। ये देखो सीढ़ियाँ भी बनती है, बहुत ही चीज़ें बनती है इससे, हर तरफ से ना यहाँ से यही काम ज़्यादा होता है। इसका हम अलग से व्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि इस पत्थर से क्या क्या बनता है,
क्या क्या डिजाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ओके तो गाइज फाइनली पहुंचे हम सैमपुरा पामपुर। ये देखिए, ये रहा वो जमीन जहां पे मेगा मॉल बनने वाला है, जो कि पहला है FDI। FDI मतलब हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया इस मॉल पे। ये पता है कितना जमीन है यहाँ पे, 10 लाख स्क्वायर फीट, मतलब नज़र ही नहीं जाती है। ये देखिए वहाँ पे इसका दीवार, ठीक है, वहाँ तक ना नज़र ही नहीं जाती है। तो यहाँ पे वो मॉल बनने वाला है। लगा था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन यहाँ पे ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसा मुझे सुनने को आया। 2026 में ये मॉल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है मॉल का। लेकिन ये ना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और पता है मॉल में कितने शॉप्स होने वाली है? 500 शॉप्स होने वाले हैं इस मॉल में। और पता है इस मॉल में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? 500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया गया है। यहीं पे बनने वाला है IT टावर, ठीक है, इसी जमीन पे बनने वाला है IT टावर। और यहाँ पे बनने वाला है द मॉल ऑफ श्रीनगर, जो कि सबसे बड़ा मॉल होने वाला है श्रीनगर का, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा मॉल होने वाला है। मैंने बीच बीच में सुना था कि वो सबसे इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बनेगा, लेकिन वो तो कंफर्म नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला है। अभी आपको पता ही है सबसे बड़ा मॉल कौन सा है, वो है सिटी मॉल, जो कि MA रोड पे है। लेकिन वो तो इसके सामने कुछ नहीं है, आप जमीन से अंदाजा लगा सकते हो। और इस पे कितना कॉस्ट लगा हुआ है? 500 करोड़, 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनने वाला है। तो गाइस यहां पे ना एक भाई साहब मिले हमको, जो कि यहां के लोकल ही है। यहाँ पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ना आपको क्या लगता है कब से काम स्टार्ट पे बन रहा है? हॉस्पिटल्स मेडी सिटी का ये चल रहा है अभी काम यहाँ पे। हाँ। शॉपिंग मॉल और IT टावर जो अभी उसका काम नहीं स्टार्ट हुआ। ओके। लेकिन 2026 तक ये खत्म होगा सारा काम। ओके। और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट और ये उसका फायदा होगा। यहाँ पे टोटल 300 कनाल जो लैंड है, लेकिन इस शॉपिंग मॉल के लिए अलॉट हुआ है। और यहाँ पे 500 शॉप्स होंगे और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज है 13,500 होंगे। करंटली यहाँ पे मनोज सिन्हा जो LG हमारी जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी की है विद द ग्रुप ऑफ MR, जिन्होंने बुर्ज खलीफा से लेकर हमारे वर्ल्ड में 5-6 शॉपिंग मॉल सबसे बड़े है वो कंस्ट्रक्ट किया है। वही ग्रुप रिसेंटली आया था यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे जो है एक स्टोन यानी कि इनॉग्रेशन किया यहाँ पे। ओके, इनॉग्रेशन किया यहाँ पे? हाँ। की जगह वहाँ पे एक स्टोन दो लगाए हुए हैं। ओके, वहाँ पे भी जाके देखते हैं अभी। हाँ। तो गाइस ये भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पे ना रिसेंटली ये जो MR ग्रुप है ना वो यहाँ पे आए हुए थे और LG मनोज सिन्हा उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं बना हुआ, ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे लोग आए हुए, क्रिकेट ये सब खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, यहाँ पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। हम देखते हैं वो पत्थर कहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे वो इनॉग्रेशन हुई। तो गाइस ये देखिए ये भाई साहब मिले ना यहाँ पे, लोकल्स को पता होता है ना। ये देखिए उन्होंने बोला यहाँ पे स्टोन्स भी लगाए गए, ये देखिए फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे लगाया गया है। मॉल ऑफ श्रीनगर MR वाज हेल्ड ऑन 19 मार्च को लगाया गया ना, 2023 में, ये देखो। और श्री मनोज सिन्हा ने यहाँ पे लगाया गया है। और आपको पता ही है गेस्ट कौन थे, MR जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ग्रुप ऑफ MR जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे ना पूजा भी हुई थी 19 मार्च को, जब यहाँ पे मनोज सिन्हा आए थे उन्होंने यहाँ पे पूजा भी की थी। यहाँ पे स्टोन्स भी लगाया गया है, तो हमको पता ही नहीं है ब्रो। आप लोगों ने बहुत टाइम से कमिट किया था कि यहाँ पे दिखाओ, लेकिन मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा था ये कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये पामपुर साइड से, ये देखिए यहाँ से ना वो पुराना हाईवे, जम्मू एंड कश्मीर का पुराना हाईवे है, यहाँ से इसके लेफ्ट साइड में ये यहाँ पे प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है, मतलब यहीं पे होने वाला है। ओके, तो गाइज अभी तो मैंने आपको एक ही स्टोन दिखाया जो कि मॉल का। यहाँ पे ना मल्टीपर्पज टावर भी बनने वाला है, जो कि MR के तौर से ही है, ठीक है। ये देखिए 19 मार्च उसी टाइम यहाँ पे ये स्टोन भी लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ना IT टावर भी बनने वाला है यहाँ पे भी, जो कि MR कंपनी है ना, उन्होंने टोटल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 500 करोड़ इन्वेस्ट किए है। यहाँ पे लगने वाले, मैंने सुना यहाँ पे 2.5 करोड़ लगने वाले इस मॉल में, और बाकी जम्मू में भी मैंने सुना वहाँ पे भी IT टावर बनने वाला है। तो फिलहाल आप यहीं देखिए, जम्मू का तो नहीं पता, फिलहाल यहाँ पे IT टावर एंड मॉल बनने वाला है। ओके, तो सबसे बड़ा मॉल कौन है अभी श्रीनगर में? अपना वो सिटी मॉल है ना? सिटी मॉल MA रोड के पास, वो तो इसके सामने कुछ नहीं होगा, जमीन से अंदाजा लग जाता है। फिलहाल ना अभी फिलहाल कश्मीर का वही सबसे बड़ा मॉल है, जब बन जाएगा ना फिर उसके बाद। कितना लैंड लिया गया है यहाँ पे? 10 लाख स्क्वायर फीट, जो की बहुत ही बड़ा, आप बोल सकते बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये, सबसे बड़ा में ऐसा कोई मॉल है ही नहीं, है ही नहीं, और टावर है ही नहीं जम्मू एंड कश्मीर का। फिलहाल मैंने सुना जो आप लोगों ने कमिट किया था ना, बहुत सारे लोगों ने कमिट किया था कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल होगा ये, वो तो नहीं पता। फिलहाल हम जम्मू एंड कश्मीर का बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा मॉल होने वाला ये। और गाइस मैंने सुना यहाँ पे ना लगभग 1500 एम्प्लॉयमेंट लगेंगे इस मॉल में, फिर ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। फिलहाल ना वो रफली ऐसे वो कर रहे हैं, ठीक है। और 2026 में बोल रहे हैं कि ये मॉल यहाँ पे कम्प्लीट हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 में ये मॉल यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। तो मित्रों वो वाला प्रोजेक्ट तो आपको दिखाया जो कि इस शहर के उस पार था,
जो कि मॉल और आईटी टावर बनने वाला है। आप दूसरा प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो कि इसके साथ में ही है। ये देखो यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ मिली ट्रस्ट, हाँ इन्होंने बनाया है यहाँ पे कश्मीर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 27 अप्रैल 2023 थर्सडे। उस टाइम यहाँ पे मनोज ना आए थे, पत्थर सब लगाया गया था। मिली ट्रस्ट आपको पता ही, उन्होंने बनाया यहाँ। तो गाइस ये वाला प्रोजेक्ट भी ना बहुत ही बड़ा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनने वाला है। सैमपुरा पामपुर उस साइड से मॉल ये सब बनेगा, आईटी टावर ये सब, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने सुना यहाँ पे ना 150 MBBS सीट्स मिलने वाली है और 100-बेडेड हॉस्पिटल होने वाला है, और यहाँ पे ना लगभग 2000 यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जॉब्स मिलेगी। ठीक है, ये देखो गाइस, ये है यहाँ पे हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। हर तरफ से यहाँ पे वर्क चल रहा है जोरों शोरों से, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है ना, मुझे लगता है 3-4 साल तो लगने वाले हैं इसमें। भाई जो यहाँ पे लैंड है ना हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का, ये कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 200 कनाल है। 200 कनाल, ओ भाई साहब, ये भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंड है, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं वो स्क्वायर फीट के हिसाब से तो नहीं बता सकता, लेकिन भाई का कहना है यहाँ पे ना कनाल के, यहाँ पे ना वो कनाल के हिसाब से होता है कश्मीर में। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखिए वहाँ तक ना नज़र ही नहीं जा रही है। ठीक है, वहाँ तक हॉस्पिटल बनने वाला है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी। यहाँ पे आसपास कोई हॉस्पिटल है? नहीं, यहाँ पे पामपुर में नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, सब लोग जाते हैं श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर, क्योंकि ये श्रीनगर है ना यहाँ पे? हाँ, श्रीनगर। अच्छा, वो ना SMHS ये सब जाते हैं, SMHS यानी सिटी में जाते हैं, इंटीरियर सिटी वाले। हाँ, तो यहाँ पे जब ये बनेगा तो लाइफ चेंजिंग रहेगा, है ना, यहाँ पे ना वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होने वाली है यहाँ पे, और अफोर्डेबल रेट। कश्मीर में ऐसी कभी फैसिलिटी नहीं जो अब बनेगी। हाँ, आपको ज्यादा पता है? मेरे को पता है ना। तो यही चेक कीजिए गाइस, अब ना मैं थोड़ा ऊंचाई पे आ चुका। ये देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी। और राइट साइड में यहाँ पे मॉल एंड आईटी टावर। ठीक है, मॉल एंड आईटी टावर पे तो अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में देखिए जोरों शोरों से काम चल रहा है, लेकिन इस पे भी 3-4 साल लग सकते हैं। तो गाइज मुझे लगता है आज हमने 2 प्रोजेक्ट दिखाए, मुझे लगता है आज का वीडियो ना बहुत ही बड़ा बन गया। और मेरे ना कुछ कोलकाता से फ्रेंड की फैमिली आ रही है, तो उनसे भी मिलने जाना है, तो उसका भी व्लॉग बनाना है ना, तो आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। इसलिए करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो। और ये हमारा भाई जो कश्मीर का भाई है, मेहनत कर रहा है, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। भाई ने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, खुश रहे, बाय। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना।